नीतीश जी के कृषि रोड मैप का कमाल, प्रदेश के किसान हैं खुशहाल। राज्य में कृषि के समग्र विकास के लिए वर्ष 2006 से लगातार कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राज्य में कृषि रोड मैप लागू होने से किसानों की आमदनी बढ़ी है, साथ ही आर्थिक समृद्धि का रास्ता खुला है। बिहार में खेती किसानी के कार्यों में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए AI तकनीकों का इस्तेमाल करके किसानों को प्रशिक्षित कर बेहतर कृषि संबंधित सेवाएं भी दी जा रही है। राज्य में किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार द्वारा अनुदानित दर पर बीज वितरण, राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम, बीज ग्राम योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, धान की मिनी किट योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, कृषि यांत्रिकरण योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बिहार बनाने का लक्ष्य सर्वोपरि रखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। सरकार किसानों को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध करा रही है। अच्छे बीज के प्रयोग से फसलों की उत्पादकता 20% तक बढ़ेगी। राज्य में इस साल रबी मौसम में संकर बीज उत्पादन शुरू किया जा रहा है। राज्य में गेहूं के 3.5 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पटना सहित 21 जिलों को चिन्हित किया गया है। सरकार इस बार किसानों को 14,750 क्विंटल गेहूं के आधार बीज मुफ्त देने की तैयारी कर ली। सरकार के द्वारा किसानों के फसल को बाजार उपलब्ध राज्य में सरकार बड़ी संख्या में गोदाम निर्माण करवाने के लिए 50% अनुदान दे रही है। साथ ही राज्य सरकार सूबे के सभी व्यापार मंडल में भी गोदाम का निर्माण करवा रही है। राज्य के पैक्सों में अनाज खरीद रही है सरकार। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष धान खरीद की लिमिट को 34 लाख क्विंटल से 45 लाख क्विंटल कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कारण राज्य में क्रियान्वित कृषि रोड मैप से किसानों की आमदनी बढ़ी है, जिससे आर्थिक समृद्धि का रास्ता खुला है।